दर्शकों नमस्कार, खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां ब्लॉक सभागार में बीते मंगलवार को हुई क्षेत्र पंचायत की बैठक में लगभग 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में आवास, शौचालय, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, पेयजल, रात्रि प्रकाश, स्वच्छता को लेकर सदस्यों ने अपनी अपनी बात सदन में रखी। ब्लॉक प्रमुख ने सभी कार्यों को प्राथमिकता से कराने का भरोसा दिलाया। ब्लॉक प्रमुख मनोरमा कठेरिया के नेतृत्व में हुई बैठक में खंड विकास अधिकारी दिनेश कुमार के अलावा सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एकत्र हुए। खंड विकास अधिकारी ने क्षेत्र पंचायत बैठक का एजेंडा सभी सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद बारी बारी से सभी सदस्यों ने अपने प्रस्ताव सदन में रखे। सदस्यों ने रजबहों, माइनरों में हेड से टेल तक पानी, राजकीय बीज भंडारों में खरीफ की फसल के लिए पर्याप्त बीज, गांव-गांव बच्चों गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, पशुओं का टीकाकरण को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। ब्लॉक प्रमुख मनोरमा ने बताया कि बैठक में 4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिन्हें वरीयता के आधार पर कराया जाएगा। उक्त बैठक में क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर, भाजपा के श्याम कटियार, जेपी कटियार, सिपाहीलाल कठेरिया, सीएससी प्रभारी डॉक्टर दिलीप सिंह कटियार, खंड शिक्षा अधिकारी रवि कुमार आदि मौजूद रहे। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। मैं अनुरोध करूंगा सभी अपने बीडीसी सदस्य प्रधान बंधुओं से कि अपने अपने गांव में सूची वो 31 वहाँ के लिए जिले के लिए है, विकास खंड स्तर पर 25 तारीख ही मान्य है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने गांव में जो मनरेगा श्रमिक है, अगर उनके बच्चे 10 से 14 साल के बीच के कक्षा 5 पास है, तो आप उनको विकास खंड स्तर पर ले आकर के फार्म हमसे ले लीजिएगा, फार्म भरवा दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का एडमिशन करवा सके। सीट की संख्या के बारे में एपीसी साहब ने बता ही दिया है। मैं अभी अपने प्रधान बंधुओं से यही अपेक्षा करूंगा कि वो अधिक से अधिक लोगों का इसमें सहयोग मिला है। यहाँ पे ये विद्यालय है, मूलतः श्रमिक बच्चों के लिए है और इसमें आवेदन कराए जा रहे हैं। सर 80 सीटें हैं टोटल, 40 बालिका के लिए है और 40 बालक के लिए है। सर इनके फॉर्म भरने के लिए तो यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी की। तो एक बार फिर सभी सम्मानित जनों का अपने आदरणीय विधायक जी से साहब, हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित इस एक जो हमारा नरुआपुर में अटल आवासीय विद्यालय बना हुआ है, इसके संबंध में एक दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे मनरेगा के श्रमिक हैं या श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक हैं, उनके बच्चे जो 10 से 14 साल के बीच के हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे विकास खंड पे आज कैंप लगा करके किया जा रहा है। मैंने अपने सचिवों को और पंचायत सहायक और पंचायत मित्र को कल ही सूचना दे दी थी। अब या अगर कन्वेंशन का गैप हो या जो भी हो कि आप लोगों तक सूचना नहीं पहुंची है, लेकिन 25 तारीख लास्ट डेट है। और मैं अनुरोध करूंगा सभी अपने बीडीसी सदस्य प्रधान बंधुओं से कि अपने अपने गांव में सूची वो 31 वहां के लिए जिले के लिए है, विकास खंड स्तर पर 25 तारीख ही मान्य है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने गांव में जो मनरेगा श्रमिक हैं, अगर उनके बच्चे 10 से 14 साल के बीच के कक्षा 5 पास हैं, तो आप उनको विकास खंड स्तर पर ले आकर के फार्म हमसे ले लीजिएगा, फार्म भरवा दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का हम एडमिशन करवा सके। सर सीट की संख्या के बारे में एपीसी साहब ने बता ही दिया है। मैं अभी अपने प्रधान बंधुओं से यही अपेक्षा करूंगा कि वो अधिक से अधिक लोगों का इसमें सहयोग प्रदान कराएं। लेकिन पैचवर्क जो है वो ढंग से नहीं किया जा रहा, समझ रहे हैं? दूसरी समस्या है जीटी रोड बरौली क्रॉसिंग से बरौली तक गड्ढा मुक्त इस
इसके पैच वगैरह दिखवा लिए जाएंगे, फिर से बनवा दिए जाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम में SDFC बैंक के कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर को सम्मानित भी किया गया। माननीय विधायक जी को जाना हो रहा है, इसलिए मैं आपसे सादर अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक जी दो सब आशीर्वचन के रूप में हम लोगों के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती मनोरमा कटेरिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और अधिकारीगण जो अन्य अन्य विभागों से आए हुए हैं। आज यहाँ पर इस बैठक में तमाम तरह के विषय जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जिसमें नहरों का एक मामला अभी सामने आया के नहरों का पानी जेल तक पानी पहुंचाने के विभाग का जो भी विषय था, उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या क्या समस्याएं आती है। तो जब हम समस्याओं के समाधान के लिए जो भी हमारे ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, समस्याओं के समाधान के लिए इस बैठक में आते हैं और समस्याओं को इस पटल पर रखने के लिए आते हैं। जो ये नहरों का विषय है, जहाँ तक मेरा मानना है कि इन नहरों में जो जगह जगह पर आपने बताया कि ब्रेकेज होते हैं पानी को अपने खेतों में ले जाने के लिए, उसको लोग गलत तरीके से तोड़ देते हैं। कई जगह पर पक्की नहरें भी हमने देखा है क्षतिग्रस्त हुई है। पक्की नहरें जहाँ क्षतिग्रस्त हुई है वहां पर पब्लिक का कोई इशू नहीं है। मैंने इस विषय को आपके PNC से भी उठाया था सिंचाई विभाग के, लेकिन वो अभी यहाँ पर कोई सिंचाई विभाग से नहीं आया है। तो इस PNC में भी जो है तमाम तरीके का उसने बातचीत करके और निस्तारण के लिए कहा था, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं है। चूंकि अभी सिंचाई विभाग से कोई आया नहीं तो उसमें हम लोग बात करेंगे। नलकूपों का जो रखरखाव है उसको लेकर के नए प्रस्ताव भी हैं और पुराने नलकूपों को भी आप सभी को अपने संरक्षण में संचालित करना है, जैसा कि बताया गया था। ये आपकी सरकार की संपत्ति तो है ही, ये आपकी भी संपत्ति है, क्योंकि इससे आपका भी आपके क्षेत्र का जो सिंचाई से संबंधित कार्य है वो बाधित नहीं होता है, लगातार होता है। आपके पेयजल की समस्या का निराकरण के लिए भी यहाँ पर विषय रखे गए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमने देखा कि तमाम लोग मौखिक रूप से विषयों को रखते हैं, मौखिक रूप से ना रख के उसको लिखित रूप में देने का प्रयास करिए। चूंकि आप जब पत्र देते हैं, क्योंकि आपके पास ऑथराइज्ड सिग्नेचर होता है, आप अपना हस्ताक्षर करते हैं, उस पर समय डालते हैं, उस पर दिन डालते हैं कि किस समय आपने दिया, किस दिन आपने दिया। तो आप जब कभी भी महीना दो महीना बाद भी आप उस पत्र की प्रति लेकर के आते हैं, वो जवाबदेही तय होती है कि दो महीने हो गए काम नहीं हुआ, या तीन महीने हो गए काम नहीं हुआ, या छह महीने हो गए काम नहीं हुआ। होता क्या कि मौखिक रूप से जब कहते हैं तो ये पता पाना मुश्किल होता है कि कितने समय पहले आपने उस काम के लिए कहा। इसलिए प्रयास करिए कि किसी भी तरह का कोई काम आपको पोल लगवाने हैं उसके लिए मौखिक मत बोलिए, आपका पत्र लिखिए। आपको क्षेत्र में जो है रिपोर्ट के लिए कहना तो उसको लेकर के ब्लॉक में पत्र दे दीजिए, ब्लॉक को दे दीजिए, चाहे क्षेत्र ब्लॉक का क्या नाम है अपने खंड विकास अधिकारी उनको दे दीजिए। तमाम तरीके के ऐसे विषय जो भी है लिखित में देना है, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग उन चीजों के प्रति जागरूक हो जाए। जैसे कि हमने अभी बताया था आयुष्मान कार्ड के लिए, ये एक ऐसा विषय और सरकार की महत्वपूर्ण योजना है कि जिसको हर कोई लाभान्वित हो रहा है। हमसे जुड़े हुए तमाम लोग, यानी कि आज मान लीजिए हम आज विधायक हो गए, लेकिन उसके पहले भी हम लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए अपने मैंने अपनी माता जी का आयुष्मान कार्ड बनवाया, मैंने अपने छोटे भाई का आयुष्मान कार्ड बनवाया और उनका इलाज फ्री में हुआ अस्पतालों। जब हमारे जैसे लोग जिनको अभी फिलहाल ऐसी ईश्वर की कृपा से आवश्यकता नहीं है, हम लोग भी सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग जो है उन चीजों का लाभ नहीं उठा रहे, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी। तो आप लोगों को ये प्रयास करना है कि आयुष्मान कार्ड अपना बनवाने के लिए जागरूक रहे और अपने CMO साहब से बातचीत अधीक्षक साहब से बातचीत करके अधीक्षक आवास से कोऑर्डिनेट करके आप टाइम ले लें, डेट ले लें, किस दिन आपके यहाँ कैंप लगवाएंगे। आप सुनिश्चित करिए कि उनके ग्राम पंचायत में किस दिन कैंप लगेगा और वो प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें। उसमें आयुष्मान कार्ड बनने में एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि हर चीज में गांव में पार्टी बंदी होती है। इन्होंने हमें वोट नहीं दिया था, इनके घर तक सड़क नहीं बनाएंगे, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया था, इनके यहाँ पानी नहीं लगवाएंगे। लेकिन आयुष्मान कार्ड क्योंकि एक
सरकार की ऐसी योजना है जिससे सबको लाभान्वित होने का अधिकार है, क्योंकि स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है, किसी को भी आर्थिक आवश्यकता हो सकती है। तो इस चीज में मुझे लगता है कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। जितने लोगों को आवश्यकता हो, पात्र हो, पात्रता तो चूंकि वहां से ही घोषित हो जाएगी, जिनका इसमें नाम होगा उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। तो ऐसा करके आप सुनिश्चित करें कि ज्यादातर लोग इससे लाभान्वित हो सके। जितना लोग लाभान्वित होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार को इससे क्या फायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को एक आर्थिक संतुष्टि होगी कि लोगों को मुफ्त इलाज सरकार की योजना है जो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। ये हमारी योजना का लाभ ज्यादातर लोगों को पहुंचे, हमारी मंशा है, इससे हम लोग काम करना है। और भी तमाम विषय है जिन पर चर्चा हुई है। पेयजल का जो विषय है, जल्दी से जल्दी हैंडपंप का रिकॉर्ड हो जाए। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी और तेजी करने की आवश्यकता थी। मार्च महीने में आपके लेटर आपके विभागों में पहुंच जाने चाहिए थे, ब्लॉक में आ जाने चाहिए थे, कितने हैंडपंप पे रिकॉर्ड होना है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि नए हैंडपंप अभी नहीं लग रहे हैं। ऐसा कुछ विषय भी शायद है कि डार्क जोन कुछ होता है, आप कहाँ है वो विभाग?